एग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन सो वेन वी टॉक अबाउट एग्रेशन सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली एग्रेशन मीन एज एग्रेशन इज़ अ बिहेवियर करैक्टराइज बाई स्ट्रॉन्ग सेल्फ असरशन विद हॉस्टाइल और हार्मुल टोन्स सो बेसिकली एग्रेशन है क्या कि जब आपने किसी शख्स से कोई अपनी बात मनवानी है या आप को कोई शख्स प्रोवोक कर रहा है तो आप उसको एग्रेसिवली एक्ट करोगे आ, जो एग्रेशन आ, है वो सर्टेन टाइम प्रोवोक्ड करते हैं लोग तो आप एंगर फील करते हो और सम टाइम अनप्रोवोक्ड सिचुएशन में भी एंगर फील किया जाता है जिसमें इरिटेबिलिटी भी आ जाती है और एग्रेसिव बिहेवियर्स आ जाते हैं एग्रेशन जो है वो टू लेवल्स पे हो सकता है जिसमें एक आप कह सकते हो कि फिजिकल एग्रेशन है और नॉन फिजिकल एग्रेशन है जैसे हम वर्बल एग्रेशन भी कह सकते हैं जो फिजिकल एग्रेशन है उसके अंदर हिटिंग आ जाती है किकिंग आ जाती है किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना आ सकता है दैट इज़ द फिजिकल एग्रेशन और जो नॉन फिज़िकल एग्रेशन है या जैसे वर्बल एग्रेशन कहा जाता है उसमें हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसमें आप जैसा वर्बली अब्यूज़ कर रहे हो स्वेयर कर रहे हो नेम कॉलिंग कर रहे हो जेलिंग कर रहे हो स्क्रीमिंग कर रहे हो तो ये जो सारे डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स uh, होते हैं जिसके अंदर हमारा एंगर जो है वो मैनिफेस्ट होता है और डिफरेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म होते हैं अब चीज़ें ये हैं कि जो एग्रेशन है वो किस किस लेवल पे हो सकता है इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एग्रेशन जो है वो टूवर्ड्स एन अदर पीपल हो दैट कैन बी टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ ऑल्सो तो एंगर का जो कंपोनेंट्स हैं उनको जब हमने अंडरस्टैंड करना है इन रेफरेंस टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो उसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा एंगर जो है वो अप्रोप्रिएट है यानी सिचुएशन अप्रोप्रिएट है और कौन सा एंगर ऐसा है जो अनप्रोवोक्ड है और जो कि एबनॉर्मल है सर्टन uh, टाइम जिस वक्त सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एंगर या एग्रेशन शो करना पड़ता है लेकिन सर्टेन टाइम सिचुएशन अनप्रवोक्ड होती है और कोई इस किस्म की बात नहीं होती जिसमें इरेटेबिलिटी या एंगर को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया जाता है या बच्चे बहुत ज़्यादा एंगर आउटब्रस्ट शो करते हैं तो दैट इज कंसिडर टू बी एन एबनॉर्मल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिहेवियर। एंगर की जो है या एग्रेशन की जो है वो दो फॉर्म्स कंसिडर uh, की जाती हैं नंबर वन डायरेक्ट एंड नंबर टू इज इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंगर का मतलब ये होता है कि किसी शख्स को फिजिकली हिट करना uh, या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप फिजिकली uh, इन्वॉल्व हो और फिज़िकली इन्वॉल्व होकर किसी दूसरे को हार्म कॉज करो अब जो डायरेक्ट एग्रेशन है वो आमतौर पर रिसर्च ये डिपेंड करती हैं कि मेल्स में यानी बॉयज के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू गर्ल्स और इन डायरेक्ट एग्रेशन जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यू कैन से कि रिलेशनल एग्रेशन जिसके अंदर uh, किसी के बारे में र्यूमर स्प्रेड कर देना उसको डीफेम करने की कोशिश करना उसको सोशल एक्सक्लूजन जो है वो एक्सपीरियंस कराना तो इस किस्म के जो एग्रेशन है जो कि इनडायरेक्ट एग्रेशन कहलाता है ये ज़्यादातर आमतौर पर गर्ल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है बट दिस डज़ नॉट मीन के एक अगर डायरेक्ट एग्रेशन मेल्स में ज़्यादा है या बॉयज़ में ज़्यादा है तो वो फीमेल्स में नहीं है इट कैन बी देयर ऑल्सो लेकिन रेलिटिवली जो उसका लेवल है वो बॉयज़ में ज़्यादा होगा और गर्ल्स के अंदर कम होगा Uh, उसके बाद हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ एग्रेशन की तो वी केम टू नो कि दो टाइप ऑफ एग्रेशन जो है वो रिपोर्ट किया जाता है रिसर्च में नंबर वन इमोशनल और इम्पल्सिव एग्रेशन एंड नंबर टू इंस्ट्रूमेंटल और कॉग्नेटिव एग्रेशन जो इमोशनल और इम्पलसिव एग्रेशन है uh, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इम्पल्स से हमारे जहन में क्या आता है मोमेंट्री फौरी तौर पर रिएक्टिवली Uh, जैसे अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो यू एट दैट पर्सन ठीक है तो ये मोमेंट्री होता है ये इम्पल्सिव होता है जो फ़ौरी तौर पे आता है और फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है ठीक है इसको आप ये भी कह सकते हो कि जैसे बच्चे जब गेम्स खेल रहे होते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केटबॉल का कोई मैच है और वो मैच एक टीम हार जाती है तो जो उसके फैंस हैं वो एकदम से इम्पलसिव हो के स्टेडियम के जो चीज़ें होती हैं उन्हें तोड़ देते हैं आ, या एक दूसरे को आ, हिट करना शुरू कर देते हैं तो दैट इज़ समथिंग विच कैन विच वॉज डन इन अ स्पर ऑफ मोमेंट तो इम्पल्सिव एग्रेशन जो होता है आ, वो फौरी तौर के ऊपर देखने में आता है इसी तरह आ, जो दूसरा टाइप ऑफ एग्रेशन है दैट इज़ इंस्ट्रोमेंटल और कोग्नेटिव एग्रेशन इस एग्रेशन के अंदर थोड़ी जो है प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और ये थोड़ा कोल्ड एग्रेशन कहा जाता है क्यों क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर स्कीम मौजूद होती है और जो एग्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला शख्स होता है वो पूरी कोशिश करता है कि उसने जो हार्म दूसरे शख्स को पहुंचाना है वो उसको वो हार्म पहुंचा सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है और उसने दूसरे बच्चे का टॉय छीनना है तो वो उसके लिए प्रॉपर एक स्कीम बनाएगा कि मैंने इसका ये ट्वाइस है किस तरह लेना है ठीक है तो ये जो प्रॉपर स्कीमिंग आ जाएगी उसके बिहेवियर के अंदर या वो प्रॉपर स्कीम करे कि जी फिलान शख्स के जो टायर है गाड़ी का उसको मैंने बस्ट करना है या उसकी मैंने हवा निकालनी है और उसके लिए वो पूरी प्लानिंग करें तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक पूरी प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज कोर्गिनेटिव एग्रेशन अगर हम इसको थोड़ा सा वाइडर डोमेन में लें तो Uh, अगर हम इसको इन रेफरेंस टू लॉ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो उसमें यू शुड कीप दैट थिंग इन योर हैड कि जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है या जो इम्पल्सिव एग्रेशन है आ, वो आमतौर पे चूँकि स्पर ऑफ मोमेंट में होता है तो वहाँ पर uh, कानून जो है या जो लॉ है वो कोई एज सच इम्प्लाई नहीं होता लेकिन ऐसे uh, जराइम या ऐसी चीज़ें जिसके अंदर एक पूरी स्कीम इन्वॉल्व होती है वहाँ पर जो लॉ है वो ज़्यादा तर अप्लाई होता है फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है तो दैट इज़ समथिंग कि जो के मोमेंट्री हुआ और एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर एज uh, सच कोई uh, इस तरह नहीं कहा जाएगा कि ये कोई इंटेंशनल डैमेज uh, था जो के किया गया लेकिन अगर एक एक्सीडेंट पूरी प्लानिंग से किया गया किसी दूसरे के साथ तो देन डेफिनेटली इट कम्स अंडर द लॉ के वो चीज़ जो है वो एक स्कीम के थ्रू हुई तो यू मस्ट कीप दैट थिंग इन योर हेड कि इम्पल्सिव एंगर जो है इसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू कॉग्निटिव एग्रेशन की जितनी भी हार्मस जो हैं वो अगर uh, मौजूद हों